हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे MI Note 6 Pro के बारे में। और ये जो है Redmi का Note 6 Pro, और इसमें जो प्रॉब्लम है, पानी में गिरा था मोबाइल और जैसे ही मैंने इसको वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद जो है मतलब इसका मोबाइल जो है कल पानी में गिरा था, लेकिन वो ऑन करके रखा था, लेकिन उसका जो है डिस्प्ले का लाइट जो है एकदम डिम आ रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और ग्राफिक्स दिखाई दे रहा था और लाइट जो है एकदम कम आ रहा था, जिसको कि डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा, अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसमें आपको कैसे ठीक करना है और आप कहाँ से कहाँ तक ख़राब होता है, या तो कहाँ से कहाँ आप जम्पर लगा के इसको ठीक कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने जो है मोबाइल को वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद आप देख सकते हो, मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कि कैसा लाइट आ रहा है। देखिए, मोबाइल जो है ऑन हो गया और ग्राफिक्स आ रहा है, आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर जो है रेडमी लिखा आ रहा है, लेकिन लगभग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत लाइट जो है कम आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसमें आप कहां से कहां तक जम्पर लगाओगे, लगाने से आपका ठीक हो जाएगा। लाइट ट्रैक जो है कहां मिसिंग है, मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपका कभी भी ऐसे होता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, आज इस वीडियो में मैं डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है, लाइव बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखना, नहीं तो आपको समझ में एकदम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मोबाइल को खोल लेते हैं। तो आप, मैं इसको पहले खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है क्या प्रॉब्लम हुआ था। ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में जो ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर में जो आखिरी पॉइंट है, ये जो है ट्रैक मिसिंग है। और इसको आपको क्या करना है ना, ये जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट से इधर तक आपको एक जम्पर लगा देना है। तो मैं इसको पहले जम्पर लगा लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो है लाइट आता है कि नहीं। तो पहले मैं इसको जम्पर लगा लेता हूँ। तो इधर जो है जम्पर लग चुका है और इसके बाद हम लोग जो है इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो है हुआ कि नहीं। तो इधर जो है हम लोग एक बार ऑन करके देखिए, इधर जो है ऑन हो चुका है और लाइट भी आ चुका है। तो अगर आपका ऐसा कुछ होता है Redmi Note 6 Pro में, आप जो है ये जो वाला ट्रैक है मिसिंग है, मैं आपको बता दिया, वो लास्ट वाला ट्रैक जो है उसका नीचे का जो पॉइंट है उसके आपको जम्पर लगा सकते हो, क्योंकि वो जब पानी में गिरता है तो शॉर्ट हो जाता है। तो आप उसको ऐसे करके ठीक करके इसका जो है लाइट सेक्शन काम जो है कर सकते हो। और आशा करता हूँ ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।